और इसमें कोई चाहेगा कि हम ब्लूटूथ से, जैसे सिपाही बहाली में होता है कि बाहर से आंसर बता दे, तो वो सब इस ये कूट वाले जो प्रश्न हैं उसमें गूगल से भी जल्दी खोजेंगे तो आंसर नहीं आएगा, या बाहर से भी कोई बताना चाहेगा तो नहीं होगा। तो आया था ना पाँचवा ऑप्शन, तब से मांग कर रहे थे, क्योंकि ये ऑप्शन गलत था, ये बिल्कुल गलत था, इसलिए हम मांग कर रहे थे। बीपीएससी ने हटा भी दिया, तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं बीपीएससी के चेयरमैन सर को। यूं तो आप अक्सर कितने सारे छात्र नेता बनकर उभरते हुए देखते होंगे, लेकिन शायद ऐसे छात्र नेता बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे जो ना सिर्फ परीक्षा को लेकर के परेशान रहते हैं, इसके धांधली सेटिंग का भी हमेशा हमेशा उजागर करते रहते हैं। जी हम बात कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप की, जो देखिए कि परीक्षा शुरू होने से पहले भी सेंटर पर पहुंचे, उसके बाद वहां से कमांड एंड कंट्रोल रूम में गए, वहां की स्थिति देखी। अब देखिए कि प्रश्न पत्र इनके हाथ में है और प्रश्न पत्र को सरसरी निगाह से देख रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि छात्र नेता बहुत सारे बन के उभरे, लेकिन आपको हम देख रहे हैं सुबह से आप परेशान हैं, जहाँ गए हैं अक्सर आप मिल ही गए हैं कमांड कंट्रोल रूम से लेकर के, और सेंटर से आपको प्रश्न पत्र भी आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार सवाल कैसे? देखिए सवाल अब बहुत लोगों को लगेगा कि बहुत कठिन है, लेकिन सवाल मिला जुला के ठीक है, कठिन भी है सवाल, ऐसा नहीं है, लेकिन एक सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए और सिविल सेवक की नियुक्ति के लिए जैसा होना चाहिए उस स्तर का प्रश्न है, प्रश्न वही मैं देख ही रहा था, तो बहुत अच्छा हमें लग रहा है कि चलिए सिविल सेवा की यह परीक्षा है तो क्वेश्चन भी उस स्तर का होना चाहिए। और मैं वही देख रहा था कि कूट वाले जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इस बार दिया गया है और जो समय बहुत लेता है, समय लेता है, और इसमें कोई चाहेगा कि हम ब्लूटूथ से, जैसे सिपाही बहाली में होता है कि बाहर से आंसर बता दे, तो वो सब इस ये कूट वाले जो प्रश्न हैं उसमें गूगल से भी जल्दी खोजेंगे तो आंसर नहीं आएगा, या बाहर से भी कोई बताना चाहेगा तो नहीं होगा। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छा चीज़ किया गया है कि धांधली सेटिंग को रोका जाएगा, और इससे क्या है कि आपका एक जो होना चाहिए अधिकारी का गुण, उनका भी पहचान अच्छे से होगा, क्योंकि आपके हर तरह के सिचुएशन को आप पहले से भांप चुके हैं, तैयार हैं उस चीज़ के लिए, झेल चुके हैं, तो हर तरह का क्वेश्चन दिया गया, हर लेवल का दिया गया है, तो ये बहुत अच्छा है। और इसके चलते क्या होगा कि कट ऑफ, चूँकि क्वेश्चन का लेवल इस बार ज़्यादा है और कूट वाले प्रश्न भी बहुत दिए गए हैं, तो कट ऑफ इस बार पहले की तुलना में कम जाएगा, और निगेटिव मार्किंग भी, जैसे पाँचवा ऑप्शन हट गया है तो इस बार निगेटिव मार्किंग भी पहले से ज़्यादा हो गया। हमने अभी कई सारे कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम दे करके निकले उनसे हमने पूछा है कि इस जो ऑप्शन, जो विकल्प पांच दिए जाते थे तो चार दिए गए, चार विकल्प को लेकर बेहद खुश है कैंडिडेट। बिल्कुल अभ्यर्थी खुश है, और ये तो हम लोग लंबे समय से ये मांग कर रहे थे, जब से ये आया था ना पाँचवा ऑप्शन तब से मांग कर रहे थे, क्योंकि ये ऑप्शन गलत था, ये बिल्कुल गलत था, इसलिए हम लोग मांग कर रहे थे। बीपीएससी ने हटा भी दिया, तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं बीपीएससी के चेयरमैन सर को। और अभी बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ है, अभ्यर्थी भी बता रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, तो अभ्यर्थी भी काफ़ी खुश है। करंट अफेयर से ज़्यादा सब भारी सवाल पूछे गए, करंट अफेयर से वो रहता है, हर साल रहता ही है, अब पहले वाला अब नहीं संभव है, पहले जो वन लाइनर कुछ एग्जाम में पूछ दिया गया तो उस तरह का अब संभव नहीं है कि उसी तरह का हर एग्जाम में पूछा जाए, तो क्वेश्चन ठीक है उसमें अब टफ, अगर कुछ क्वेश्चन है तो सबके लिए है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन टफ है, कूट वाले प्रश्न दिए गए हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जो कूट वाले हैं, मिलाने वाला है, तो उसके चलते और ज़्यादा टफ हो गया, लेकिन ये अच्छा है, सबके लिए है, ऐसा नहीं कि किसी खास के लिए, सबके लिए है, तो कटअप कम जाएगा, जाहिर सी बात है पहले जितना था कटअप उससे मुझे जहाँ तक लगता है 6-7 नंबर कम ही जाएगा, ज़्यादा नहीं कि इस बार क्योंकि परीक्षा खत्म हो गया स्टूडेंट्स भी खुश हैं, कटअप का क्या रहेगा? देखिए कटअप हमको लगता है 87 से 90 के बीच में रहे, जनरल कैटेगरी का मेल का, उसी अनुसार सब कैटेगरी का होता है डिसाइड हो जाता है, तो मुझे लगता है वही 87, 88, 90 के अंदर ही उनको लगता है कटअप रहना चाहिए, बाकी तो अब बीपीएससी द्वारा भी सर्वे कराया जाएगा तो पता चलेगा, तो मुझे लगता है 85 से 90 कह सकते हैं, इसी में जनरल का कटअप रहना चाहिए, बॉयज़ का उसी अनुसार सब कैटेगरी का जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस बार टफ है, हम खुद क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन टफ है और कूट वाले प्रश्न ज़्यादा हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा दे करके हैं, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मुझे मिले हैं जो बता रहे कि फर्स्ट अटैम्प्ट, मेरा बावजूद इसके बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। तो जब व्यवस्था सही होगा तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट क्या चाहते हैं, स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो गरीब घर के लड़के हो, बच्चे हो या फिर अमीर घर के हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो पढ़ाई करते हैं चाहे वो गरीब हो या अमीर, तो उनको क्या रहता है कि हमारी पढ़ाई जो है, मेहनत जो हम किए हैं ईमानदारी से, उसका हमें फल मिले और मेरिट वालों को नौकरी मिले, परीक्षा में व्यवस्था सही हो, पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, अगर वो सारा चीज़ होता है ना तो अभ्यर्थी खुश को खुशी मिलती है। सीट जितना है अंतिम रूप से सिलेक्शन उन्हीं का होगा, उतने ही लोगों का, मान लीजिए 400 सीट है तो अंतिम रूप से सिलेक्शन 400 लोगों का ही होगा, लेकिन व्यवस्था अगर सही रहती है ना तो सभी लोगों को खुशी होती है कि नहीं हमने परीक्षा दिया, सही से परीक्षा हुआ,
चलिए हमारा उतना मार्क्स नहीं आया, हम सफल नहीं हुए, बाकी लोग सफल जो भी हुए मेहनत से सफल हुए, तो ये खुशी होती है कि चलिए गड़बड़ नहीं हुआ। दिलीप जी, इस बार 270,000 के आसपास कैंडिडेट फॉर्म फिल किया, परीक्षा अच्छी गई है, तो लगभग ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास होने की संभावना है? देखिए, स्टूडेंट तो उतना ही इसमें है कि पीटी का जो रिजल्ट है उस सीट का 10 गुना ही दिया जाता है, तो हम लोग तो कई बार लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम 15-20 गुना रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि सबसे कम रिजल्ट पीटी में बीपीएससी द्वारा ही दिया जाता है सिविल सेवा में। अन्य राज्यों में देखिएगा तो कहीं 12, कहीं 15, कहीं 17 गुना इस तरह दिया जाता है, तो जो 10 गुना होगा उतना ही रिजल्ट दिया जाएगा। तो आप देखिए कि जिस तरह से कैंडिडेट्स के लिए संघर्ष करने वाले छात्र नेता लगातार आप सेंटर पर घूम भी रहे हैं और प्रश्न भी देख लिया, कट ऑफ भी बता दिया कि कट ऑफ इस बार जो है 87 से 90 के बीच जाएगा, क्योंकि कूट वाले जो सवाल थे वो ज़्यादा थे, थोड़े से करंट अफेयर के सवाल हार्ड पूछे गए हैं, लेकिन कैंडिडेट्स की बात करें तो बेहद खुश है। फिलहाल के लिए ताई बने रहे कशिश के साथ, पटना से गीता सिंह की रिपोर्ट।